अपने अंदर की कला पहचानने की समझ और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हीमा दास इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 19 वर्ष की उम्र में 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल और अंतरराष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, भारत की स्टार रनर हीमा दास। आज हर टीवी न्यूज चैनल पर केवल हीमा दास छाई हुई है, लेकिन इनका यह सफर इतना आसान नहीं था। यह सफर कांटों से भरा हुआ था। हुनर की धनी इस लड़की का परिवार इतना गरीब था कि दौड़ने के लिए अच्छे जूते भी उसके पास नहीं थे। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे पूरे परिवार का गुजारा होता था, लेकिन हीमा का जज्बा उनके साथ था। सस्ते जूतों में ही इंटर डिस्ट्रिक्ट की 100 और 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया और आज उन्होंने मिल्खा सिंह और पीटी उषा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि सफलता साधनों के मोहताज कभी नहीं होती। और ऐसी एक कहानी है आनंद कुमार की, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। उनका चयन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन गरीबी के कारण वे वहाँ जाने का खर्चा नहीं उठा पाए और इस समाज ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। बचपन से गरीबी का दर्द झेल रहे आनंद ने मन ही मन फैसला लिया कि वो जरूरतमंद छात्रों की मदद जरूर करेंगे और आज सुपर 30 के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों, जो काम बड़े बड़े एनजीओ और चैरिटी वाले नहीं कर पाए, वो एक मामूली से इंसान आनंद कुमार ने कर दिखाया। जो काम बड़े बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं कर पाए, बिना किसी लॉन्ग टाइम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के 19 साल की हीमा दास ने वो काम कर दिखाया। दोस्तों, ये वो उदाहरण है जहाँ गरीबी और मजबूरी अपना बस नहीं चला पाई। बहुत से लोग एक ही दिन में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, रातों रात उनको सफलता मिल जाती है। जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश उनके बारे में बातें कर रहा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत ने उनका साथ दे दिया। हर कोई अचानक मिलने वाली सफलता में विश्वास करने लगता है, जबकि ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दोस्तों, रातों रात किसी को सफलता नहीं मिलती, बल्कि वो रात बहुत ज्यादा काली और लंबी होती है। उस रात की शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी होती है, जब वो इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए खून पसीना एक करना शुरू करता है। अगर आप भी लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। कामयाब होने के लिए जिंदगी में अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब बन चुके होते हो। केवल हीमा दास ने ही रेस में हिस्सा नहीं लिया, हम सब भी एक रेस का हिस्सा हैं, जिंदगी की रेस। और जो यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक देगा, सक्सेस भी उसी को हासिल होगी। वरना सपने देखना तो हर किसी को आता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये केवल वही इंसान कर सकता है जिसके हौसलों में जान होती है। और इतिहास गवाह है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हीमा दास और आनंद कुमार से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे मैदान कोई भी हो, जंग पहले दिमाग से लड़ी जाती है। अपने हौसलों को मजबूत रखना पड़ता है। इन दोनों ने इच्छा और कर्म के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता हासिल की है। अगर आप भी इस सिद्धांत को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक अलग ऑडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर वहां से सुन सकते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान सफल हो जाता है तो हर कोई इसके फैसलों की तारीफ करता है, हर कोई उसकी बात को सही ठहराता है। लेकिन जब वही इंसान संघर्ष कर रहा होता है तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डटे रहना है और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अगर इस वीडियो में कही गई बातों ने आपके दिल में अपनी मंजिल को पाने के लिए एक आग जगा दी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और आज से अभी से अपनी लक्ष्य प्राप्ति की कोशिशों में जुट जाइए। कोई भी कसर मत छोड़िए। अपने समय के एक एक कीमती पल का सही इस्तेमाल कीजिए और सुनते रहिए मन की आवाज।